Independent. I got broads in Atlanta. She took the me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग 600 आई राइडर। मैं हूँ आज अपने 300 के साथ, अपने यानी कि पांडे जी के 300 के साथ। तो आज अभी हम जा रहे हैं, ये जो आवाज़ आ रहा है ना, आवाज़ समझ रहे हो? नहीं, फिर से बता रहा हूँ, एक सेकंड गौर से सुनना। जो आवाज़ आने वाला है, जो ब्रेकिंग पे आवाज़ आता है ना, रेयर ब्रेक का, उसके लिए हम जा रहे हैं आज। ये आवाज़ देख रहे हो? हाँ, बस ये आवाज़ है ब्रेक पैड्स का, जो कि हमने थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था। मतलब ब्रेक पैड्स डालते टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो उसी का नतीजा है। नतीजा मतलब समझ रहे हो ना, कभी भी अपने सुपर बाइक्स में सादे वाले मतलब लोकल ब्रेक पैड्स मत डालो। तो लोकल ब्रेक पैड डालने से ये इशू आता है कि आवाज़ आता है, ब्रेक वर्क करते हैं लेकिन आवाज़ आता है, और वो इतना गंदा लगता है ना, क्योंकि आप एक सुपर बाइक चला रहे हो। तो ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ये हमारी गलती है। एक्चुअली गलती देखने जाएगी तो मेरी भी है और पांडे जी की भी है, दोनों ने हाँ मिलाई और तब जाके हमने ये ब्रेक्स लगवाए थे। और ज्योतिबा भाई ने पहले ही बोला था कि लोकल ब्रेक पैड्स मत डालो, तो भी हमने डलवाए थे। तो कोई नहीं, वो आज गलती हम सुधारने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर में। तो अभी मैं हूँ थाने में, तो मैं एक्चुअली टोल नाका पार करके स्ट्रेट गया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही खड़े थे, और 5-6 जन देख के मुझे ऐसा लगा कि वहाँ से मेरे को नहीं जाना चाहिए, तो मैंने लेफ्ट मार लिया और अंदर वाले रोड से अभी सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। तो फटाफट जाते हैं, ब्रेक पैड्स मेरे साथ में है, आपको वहाँ पर जाके ब्रेक पैड्स दिखाता हूँ। तो वो हमें सिर्फ फिटिंग करवाना है। तो अब्दुल भाई से बात हो चुकी है सर्विस सेंटर में, अब्दुल भाई है जो काफ़ी सही से काम करते और अपने पहचान वाले हैं, तो वहाँ से फिटिंग कराते। और आपको फिटिंग कॉस्ट भी बताता हूँ कि ब्रेक पैड्स डालने होंगे तो सिर्फ अगर आप ब्रेक पैड्स लेके जाते हो तो कितने लेते हैं सर्विस सेंटर में। आज मुझे भी देखना है कि सिर्फ ब्रेक पैड्स फिटिंग्स के कितने लेते हैं। ओ भाई साहब, आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ चुम्मा। लड़की पीछे देख रही है, वो तो ठीक है, कान बंद कर रही है। इतना ज़्यादा आवाज़ ऐसे बोल रही है। क्या करें भाई साहब, शौक बड़े चीज़ें, शौक पूरे कर रहे हैं। आराम से देखो, आवाज़ आया ना, दिमाग घूम जाता है यार एकदम। पांडे जी तो एकदम गर्म ही हो जाते। पांडे जी है नहीं सामने, मैं तो मज़ा आ जाता था आप लोगों को, एकदम मस्त वाला डायलॉग मारते हैं। थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा कि चलो 300 का एक राइड भी हो जाएगा, और साथ ही साथ ब्रेक के पैड्स जो मेरे पास पड़े हुए थे, ये मैंने ओपन थ्रॉटल से लाए थे गाइस, जो कि मेरे बाइक के पार्ट्स लेने गया था तभी मैं साथ में लेकर आया था। सेंटर यहाँ पे थाने में दीनाथ नाके के नियर बाय इंटरनिटी के बैक में। वेल गाइस, ब्रेक पैड ओपन हो चुके हैं और इसमें लगने वाले हैं नए ब्रेक पैड्स। तो ये रहे अपने ओल्ड वाले, जो कि हद से ज़्यादा मोटे और गर्म है, और डिक्स भी गर्म हो जाती है। अभी शायद से इतनी गर्म नहीं होगी डिक्स। अपने 300 के ब्रेक फिटिंग हो चुके और 189 रुपीस फिटिंग चार्जेस रुपीस लिया है। बस फिटिंग्स होने के बाद अभी टेस्ट भी हो जाएगा और अब्दुल भाई चले गए खाना खाने के लिए। हम भी अभी एक दो बार ब्रेक टेस्ट कर लेते, अभी ब्रेक्स नए हैं, थोड़ा पंपिंग के बाद लगेंगे, थोड़ा पंपिंग देना पड़ता है, तुरंत ब्रेक्स नहीं लगते।
ओ भाई साहब, देख रहे हो फर्क? ये देखो, मतलब आवाज नहीं आ रहा है एक तो। चलो अच्छा है, ब्रेक्स तो हो गए फाइनली। पांडे जी तो एकदम खुश खुशी हो गए होंगे। ₹1800 का कुछ ब्रेक पैड्स आया पांडे जी का, और ₹200 मतलब ₹189 फिटिंग चार्जेस लग गया। हमने फिटिंग यहाँ पे इसलिए करा है क्योंकि ब्रेक का सेटिंग हर किसी को नहीं जमता है, और पांडे जी को जरा भी ये नहीं चाहिए था, जरा भी मतलब बाइक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ना ही मैं करने वाला हूँ अभी से। अपनी बाइक अभी बस आपको दिखाने वाला हूँ, तो पांडे जी की बाइक रख देते कहीं पे, तो मतलब मेरे फ्रेंड के शॉप पे, और फिर जाके लेके आता हूँ अपनी बाइक। तो ऑटो से जाना पड़ेगा, तो पहले चलो अपनी ये बाइक को शॉप पे रख देते फ्रेंड के, फिर वहाँ से कैब करके जाएंगे, और सॉरी ऑटो करके जाएंगे, और फिर लेके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स बाइक को करते हैं कोल्ड स्टैंड, ऑटो से आया तो भाई साहब मेरी हालत खराब हो गई, इतनी ज्यादा गर्मी। तो बाइक दो दिन बाद स्टार्ट हो रही है, मतलब जब से मैं डुकाटी चलाया हूँ दो दिन से, दो तीन दिन हो गए तब से बाइक यहीं पे खड़ी है पार्किंग में, तो कोल्ड स्टार्ट तो बनता है। देख रहे हो, थोड़ा सा बाहर निकालते और थोड़ा सा वार्म अप होने देते, बाइक ऑन होते ही तुरंत रेव नहीं करना है। और अभी जाएंगे हम डायरेक्ट सर्विस सेंटर में, तो मिरर्स के ऑर्डर दिए थे तो मिरर्स भी देख लेंगे, और एक दो काम है जैसे कि छोटा सा बाइक पूरी चेक करनी है तो वो भी करवा लेंगे। मिरर्स अवेलेबल है, पहले देखते हैं फिट होने के बाद कैसे लग रहे, फिर फिटिंग कराएंगे। तो बाइक बस वार्म अप हो जाए, और बाइक पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती क्योंकि हमारे हिसाब से हम चलाते हैं तो इतना गर्म नहीं होता है, और बाइक हल्की सी गंदी हो गई है बस वाइप आउट करेंगे तो भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि कोटिंग का कुछ फ़ायदे होते हैं, तो यही एक फ़ायदा है कोटिंग का। तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि सर्विस सेंटर जाना है और धूप भी बहुत है, तो फिर चलो फटाफट जाते हैं। और भाई साहब पिकअप देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, मतलब ऐसा लग रहा है यार क्या करवा दिया बाइक को, देख रहे हो। जस्ट मेरे को लग रहा है सेकंड गियर पे ही है, ज़्यादा भी गियर नहीं है, सेकंड या थर्ड गियर पे। और रही बात, आज तक इग्निशन कॉइल चेंज कराने का टाइम नहीं आया था, लेकिन ये बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चलो डाल दिया, बोला चारों के चारों, शायद तीन खराब थे आप लोगों ने देखा था, या चार खराब थे, अभी मेरे को प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि डेली अभी कुछ ना कुछ कोई ना कोई बाइक मतलब मेरे हाथ में आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ कि कौन सा किस में कॉइल क्या डाला है, मेरे को याद नहीं रहता है कौन से पार्ट, लेकिन अपने बाइक का बराबर मालूम है कि हमने चार कॉइल डाला है, स्पार्क प्लग हमने चेंज नहीं किया गाइस क्योंकि चलने लायक थे, और ज़रा भी डाउट नहीं लग रहा है मेरे को स्पार्क प्लग पे, जो हिसाब से बाइक चल रही है भाई साहब ऑसम, और जो मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने को, अगर कोई चला ले ना अभी पांडे जी को दूंगा और उनका रिएक्शन मैं निकाल लूंगा कि कैसा मतलब कैसा रिएक्शन है उनका। भाई 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 साहब, फ्यूल इंडिकेट कर रहा है तो हमको फ्यूल डालना पड़ेगा, हमको डुकाटी मिल गई तो हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, हम तो अपने बाइक को ही भूल गए, सच में डुकाटी मिली तो हम अपने बाइक को ही भूल गए कि हमारे बाइक में पेट्रोल है नहीं है, भाई हमको हमारी बाइक नहीं चाहिए, हमको डुकाटी चाहिए। डायरेक्ट डुकाटी लेके निकल गए राइड पे, और क्या मजा आया गाइस डुकाटी चला के, मेरे को मतलब मेरा एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था, ऐसा लगा यार लाइफ में मैंने कोई बाइक चलाई है, और वो भी इतनी खतरनाक पावर, भाई साहब इनसेन बूस्टर है वो, ऐसा करते ही वो बूस्ट जो करते हैं ना गाइस, लिटरली डर लगता है बाइक को भगाने के लिए। चलो कोई नहीं, पहला अपने भी बाइक ऐसी ही हो गई है, देख रहे हो भाई साहब भगाने को सोचना पड़ रहा है।
भाई साहब, बाइक में लो फ्यूल है, पहला तो फ्यूलिंग करा देते कहीं से नियर बाय में, पता नहीं अभी बाइक तो कालर में दी, नियर बाय फ्यूल पंप है या नहीं। और पता नहीं बाइक, जब बाइक पे रहते तो जरा भी मतलब ऐसा गर्म नहीं होता है, सिर्फ ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है, ऐसे तो हवा लगती रहती है, इसकी वजह से गर्म नहीं होता है। क्या मजा आ रहा है यार विदाउट मिरर्स, वो भी बाइक बहुत कम ऐसा मैं चलाता हूँ विदाउट मिरर्स, बीच में भी मैंने विदाउट मिरर्स चलाई थी तो मेरे को टोल नाके पे पकड़ा था भाई। और ब्रेक्स तो भाई साहब एक नंबर है, ब्रेक्स देख रहे हो ये देखो डायरेक्ट कवर कर लेती है बाइक, पूरी बाइक। और अभी एग्जॉस्ट लगेगा तो गाइस वाट लगा देगा बाइक, क्योंकि क्या आवाज आने वाला है। नासिक मुंबई हमें जाना है, मुंबई साइड, अभी ये चढ़ना है नहीं चढ़ना याद नहीं आ रहा है, चढ़ना है, चलो चढ़ जाते देखा जाएगा, मजा तो आएगा दिक्कतदार। ओके राइट, ये चढ़ना ही था। ओ भाई स्पीड ब्रेकर हमने तो देखा ही नहीं भाई साहब बच गए स्पीड ब्रेकर की वजह से, और ABS ने बचा लिया। बहुत बार ऐसा हुआ है गाइस, हमें लगता है नहीं रुकेगी लेकिन बाइक रुक जाती है, और हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना शुरू कर दिए, मतलब बाइक पे अभी ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन लिमिटेड ट्रस्ट करते हैं, और बेफिजूल के रिस्क भी नहीं लेते, मतलब यहाँ से निकलने का जब तक पूरा श्योरिटी नहीं है तब तक हम रिस्क नहीं लेते। तो चलो सर्विस सेंटर मिलता हूँ, ब्लॉक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी फिलहाल सर्विस सेंटर पहुँचना है। सिग्नल ओपन है, फटाफट भागो यार, शिट लग गया सिग्नल, हो गया हमारा पोपट, लेकिन हम भी खिलाड़ी है, पोपट होने नहीं देंगे, हम जाएंगे यहाँ से क्योंकि हमें पेट्रोल भी भरवाना है। अभी शायद इतना पेट्रोल चल जाएगा यार, सर्विस सेंटर में से डन हो जाएगी, फिर बाहर निकालूंगा, फिर पेट्रोल डलवा देंगे। अभी यहाँ से फिलहाल तीनाथ नाके से राइट मारना बंद है, रास्ता रूट बंद है, तो हमें थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो शोरूम में बात हो गई है, पहले बाइक चेक होगा, फिर लगेंगे अपने प्यारे प्यारे मिरर्स, और फिर बाइक हो जाएगी रेडी, और एक दो सामान जो है वो मतलब एक्स्ट्रा है, अगर वो गिनने जाएंगे यानी कि टॉप बॉक्स, और हमने बहुत कुछ सोचा है लेकिन एक एक करके हो जाएगा, क्योंकि अभी सर्विस में, सर्विस बोल रहा हूँ यानी कि कॉइल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है ओवरऑल मेरा कॉस्ट 35,000 तक पहुँच चुका है, 35,000 मतलब भाई साहब हालत ख़राब कर दी। ये तो थैंक्स टू ओपन थ्रॉटल और ज्योतिबा भाई, क्योंकि अपने खास फ्रेंड्स है और अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइसेस में अपनी बाइक बन गई। तो अब्दुल भाई ने चेक कर लिया बाइक को, बोलते चलाओ बिंदास, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अब बाइक में। और रही बात मिरर्स की, तो लंच करके भाई लोग आराम कर रहे, तो मैंने पूछा कि अभी करना है कि बाद में, तो बोले आ जाओ आराम से करते, कोई गाय नहीं है, तो चलो लंच टाइम है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो, मतलब छोटा सा वीडियो था, ब्रेक पैड्स डलवाए और इसमें मिरर्स और ये डालना था, लेकिन लंच टाइम है तो बस नियर बाय में ही रहता हूँ तीनाथ नाके के यहाँ से, तो आगे से यू टर्न मार लूँगा। तो होप करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, भाई को फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, तो फिर मज़ा आ जाएगा। बस
1500 होने आए सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। तो कुछ अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो हो गया तो जल्दी कर देंगे 2000 होने से पहले ही। तो चलो बाय बाय, टेक केयर। पांडे जी की गाड़ी भी अपने पास पड़ी हुई है और अपनी बाइक भी। तो अगर ब्लॉग भी आएगा तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।